जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। कल जाके डॉक्टर पे दवाई ली थी और उसके बाद सही हो गई। आज मैं एक स्पेशल बात ये कहना चाहूँगी, हर उस माँ को सबसे पहले सलाम करना चाहूँगी जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या दुख नहीं उठाती। कल मेरी अम्मा जान जो हैं वो गई नहीं है एक हफ्ते से लाहौर, तो उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा और मैं चाहूँगी वो एक पूरी नज़्म है, हर उस माँ के लिए है और हर उस बच्चे के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया और अपने माँ बाप पे आवाज़ बुलंद ना करें। तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस नज़्म विद यू। मेरे बच्चों, अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माहों साल में देखो, सब्र का देखो दामन थामे रखना, कड़वाहे ये घूंट पे चखना, उफ ना कहना, गुस्से का इजहार ना करना, मेरे दिल पर वार ना करना, हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठें और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार ना करना, भूल ना जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा, जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी, कपड़ों को तब्दील में गर मैं देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार ना करना, भूल ना जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी, मेरे ये कमजोर कदम अगर जल्दी जल्दी उठ ना पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज अपनी रफ्तार ना करना, भूल ना जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरी बाहों के हलके में गिरना और संभलना सीखा, जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रब्त पकड़ ना पाऊं, याद माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ ना पाऊं, मुझको नरमी से समझाना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकताकर घबराकर मुझको डांट ना देना, दिल के कांच को पत्थर मार के किरची किरची बांट ना देना, भूल ना जाना जब तुम नन्ने मुन्ने से बच्चे थे, एक कहानी 100-100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी, जो कुछ दोहराने को कहते थे मैं दोहराया करती थी, अगर नहाने में मुझसे सुस्ती हो जाए मुझको शर्मिंदा मत करना, ये ना कहना आपसे कितनी बू आती है, भूल ना जाना तुम नन्ने मुन्ने से थे और नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़िया घर ले जाने में तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलों से तुमको आमादा करती थी, अगर मैं जल्दी समझ ना पाऊँ, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊँ, मुझ पर हैरत से मत हंसना और फिक्रा कोई ना कसना, खाना पीना चलना फिरना मिलना जुलना लिखना पढ़ना, मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया के आगे बढ़ना सिखलाया, मेरी खांसी सुन सुन कर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझको तुम झिड़की ना देना, ये ना कहना जाने दिन भर क्या क्या खाती रहती है और रातों को खूं खूं के करके शोर मचाती रहती है, भूल ना जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपनी गोद में टहल टहल कर काटी हैं, मैं खाना ना खाऊं तो मुझको मजबूर ना करना, अगर मैं जिस शय को जी चाहे इसको मुझसे दूर ना करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर ना करना, किसका फर्ज है मुझको रखना इस बारे में एक दूसरे से बहस ना करना, आपस में बेकार ना लड़ना। हाय, ये इसलिए आपको सुनाने का मकसद है कि जी माँ जो है एक अजीम रिश्ता है और एक एक उम्र के एक हिस्से में जाके हम अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते, हम उनसे बेजार हो जाते हैं, अजीब से सख्त हमारा बिहेवियर होता है, ऊंची आवाज़ से बात करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें और हर वक्त ये याद रखें कि जब हम बोल भी नहीं सकते थे वो हमारे मुंह में अल्फाज देती थी, हमें खाने पीने किसी चीज़ें की टेंशन नहीं देती थी। तो आज का शो हर उस माँ को डेडिकेट है जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, ये एक उस औरत को डेडिकेट करती हूँ जो एक माँ है। तो जनाब आज आप SMS करें और हमें बताएं कि आपको अपनी माँ से कितना प्यार है, जो ज़्यादा अच्छे SMS शेयर अपनी माँ के लिए या कोई ऐसी बात लिखेगा उसको हम देंगे बहुत सारे गिफ्ट्स। हमारे आज के गिफ्ट्स में हैं जी वर्दा सलीम जॉइनिंग अस और वो हम आपको उनके 4 जोड़े लॉन के दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, कॉल करें और हमें बताएं कि अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, अपनी माँ की कौन सी बात याद आती है। नादरा की कॉल आ गई है जी कोहाट से, अस्सलाम वालेकुम नादरा। अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया नादरा। आज प्रोग्राम है, मैंने किसी
प्रोग्राम में कॉल की है। चलें जी, आपको खुशामदीद करती हूँ मैं। नादरा, आज हमने टॉपिक ये रखा है कि जी सलाम माओं को और अपनी माँ के लिए कोई प्यारी बात आपने करनी। जी, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उनकी क्या बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी यही बात है कि वो सब बच्चों को जोर के रखती है। क्या करती है? सब बच्चों को जोर के रखती है, हर एक से अच्छे सलूक करती है। ऐसी कोई बात जो आज तक अपनी माँ से ना कही हो, कहना चाहती है? और यही कहूंगी, आई लव यू माँ। I love you too. आगे सुनकर ये जवाब होगा, I'm sure. I love my mom as well. और बताएं क्या हाल चाल है, कैसी जा रही है मॉर्निंग? बस ठीक ठाक, बहुत अच्छी जा रही है। आपका शो देख के हमारी तो लाइट ही नहीं है। एक तो ये लाइट्स ने बड़ा मसला डाला ना, लाइट का और मेरा ये जो मुकाबला चल रहा है ना, ये बड़ा ही मसला है। जब जब किसी की कॉल आती है पता चलता है जी लाइट नहीं है। खैर एनीवेज, रात में रिपीट में देख लीजिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप बहुत खुश हों अपनी लाइफ में और अपना वीकेंड आने वाला है, वीकेंड बहुत अच्छा गुजारें, इंजॉय करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और अपनी अम्मी को भी फोन करें, अगर अम्मी पास नहीं है या अम्मी पास है तो जाकर उनको जोर से हग करें। जी कल के विनर्स अनाउंस कर दूं। कल हमने सवाल किया था वट्टे सट्टे की शादियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। 70% व्यूअर्स का ये रिस्पांस है कि सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। 30% लोग ये कहते हैं कि वट्टे सट्टे के हवाले से उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा। तो जनाब कल जो लॉन थी, रेबा लॉन ड्रेसेस हम लोग दे रहे थे और विन विन किए हैं। बुशरा फ्रॉम लाहौर, मिसेज शाइस्ता मसूद फ्रॉम रावलपिंडी, कमल फ्रॉम कराची, मिसेज बहादुर फ्रॉम मुल्तान, जैनब फ्रॉम दादू, सना मुबीन फ्रॉम कराची, कायनात फ्रॉम कराची, ठीक है जी, कमल शहजाद फ्रॉम गुजरात, फातिमा फ्रॉम कराची एंड सबा फ्रॉम लाहौर। और आज भी हमारे पास हैं आपके लिए 4 अदद जोड़े। वर्दा सलीम की लॉन है, उनकी एग्जिबिशन भी है, कल से स्टार्ट हो रही है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, माँ के लिए कोई खूबसूरत सी बात कहें या आप बताएं, या कुछ ऐसी बात जो अपनी माँ को आज तक नहीं कर सके, आप हमें कॉल करें, हमें बताएं और हमसे शेयर करें। जी शेख जफर साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख जफर इकबाल है और मैंने दुनिया का हाथ से बना हुआ था ताला वर्ल्ड रखा। जी आपने एक दफा पहले भी कॉल किया था लेकिन वो कॉल कट गई थी। कॉल कट गई थी जी जी जी। अच्छा, तो दुनिया का बड़ा सबसे ताला कैसे बना लिया आपने? मेरा तो कारोबार ही था तालों का, मैं लाहौर में मेरा तलक है, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अच्छा, और मैं पाकिस्तानी हूँ। आवाज आपकी हमेशा क्रैक करती है, पहले भी कल लाइन ड्रॉप हो। मैं गिनीज बुक के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, माशाल्लाह उसमें आपका नाम आया। मेरी तस्वीर भी है, पाकिस्तान का भी नाम है। पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहुत पाकिस्तान की वजह से मेरा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम हैं जनाब। अच्छा, ताला तो आपने बहुत अच्छा बना लिया, अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं ये बताएं? बहुत ज्यादा, इतना प्यार है कि मेरी माँ के लिए मेरी उम्र भी याद है। स्वीट, तो कोई ऐसी बात जो अपनी माँ से आज तक ना कही हो या कुछ कहना चाहते हो? बस ऐसा है कि मेरी दुआ है कि भी अल्लाह ताला मेरी माँ को लंबी जिंदगी अता करे। मेरे वालिद साहब तो दुनिया में नहीं है। अच्छा। और अल्लाह ताला सबकी माँ को और साया कायम रखे, आमीन। और मेरी दिली की ख्वाहिश है कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ इस काल के हवाले से, गिनीज बुक के हवाले से, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। जी जरूर, हमारी टीम आपको जरूर कॉन्टेक्ट कर लेगी और हम आपको जरूर अपने शो पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है जी इन्होंने। मैं ये सोच रही हूँ कि वो ताला लगाया कहाँ पे होगा जो सबसे बड़ा ताला कितना बड़ा होगा। ये इनको, इनसे बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बात कॉल करके, हम लोग उनका मतलब बुक वो जो है उसको चेक करेंगे कि जी कितना बड़ा इन्होंने ताला बनाया। लेकिन माशाल्लाह देखें ना, पाकिस्तानी हम आहिस्ता आहिस्ता छा गए हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। देखें, पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से सुल्तान राही साहब का नाम आया था, जिन्होंने साल में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले हीरो, और भी बहुत से पाकिस्तानी इसका नाम आ चुका है। और पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब आपको जैसा आज का पता है, हमारा टॉपिक आज का है माँ, और आप अपनी माँ के लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस करें और जीत जाएं वर्दा सलीम की लॉन। मैं कहूंगी कि शायद मैं जैसे आपको कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी माँ से शायद नहीं कहना कह सकी या वो भी मुझसे इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन आई लव यू मामा एंड आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कभी भी हर्ट किया हो या मेरी कोई भी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो। अगर आप अपनी माँ को कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप अपनी माँ से दूर हैं, अगर आपकी माँ, अल्लाह करे सबकी माएँ हयात रहें, इस दुनिया में नहीं हैं, उनको कितना मिस करते हैं, उनका कौन सा खाना हाथ का पसंद है, बचपन की कौन सी ऐसी याद है जो अभी तक माँ की, वो होती है ना कि माँ की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि
एक अनमोल तोहफा है कुदरत का। ऐसी ऐसी चीजें आपको बचपन में याद आती हैं, जैसे मैं जब परदेश में रहती थी तो मुझे ये याद आता था कि मम्मा की एक आदत होती थी कि आएंगी दरवाजा खोलेंगी और कहेंगी बेटा दूध पी लो, और हम लोग दूध नहीं पीते थे और होता था कि मम्मा आप क्यों कह रही हैं हमने नहीं पीना दूध। लेकिन वो जब मैं परदेश में थी तो मुझे वो एक बात इतनी याद आती थी, दैट यू नो आई यूज्ड टू मिस हर, कि वो दरवाजा खोल के उन्होंने पूछना कि बेटा कुछ खाया है पी लो दूध पी लो, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो पूछती रहती थी। तो आप हमें कॉल करें और बताएं कि आपको अपनी माँ की कौन सी ऐसी बात है जो जिंदगी भर नहीं भूलती, और आप उनसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आप कौन सी ऐसी बात जो आप उनसे कहना पाए हो, या आप उनसे सॉरी करना चाहते हो, या उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस करें, क्योंकि आपके लिए है वर्दा सलीम की लॉन। और इसके साथ साथ हमारे पास आज बड़े एक्साइटिंग से गेस्ट हैं, और हम आपकी मुलाकात कराएंगे, और आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज बड़े मज़े की बातें और मज़े की खाने की बातें होने वाली है हमारे शो में। और वीकेंड है जी, जुम्मे का दिन है, ये देखा ये तो भूल ही गई मैं, जुम्मे का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो जी, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन बड़ा मुबारक दिन होता है इस्लाम में, आपने ज़रूर आज नमाज पढ़नी, और सब पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, हमारी टीम के लिए बहुत दुआ करनी है कि हमारी टीम जो है आगे जाके, जो एक मैच तो हम हार गए लेकिन आगे जो है ना कामयाबी की कामयाबी हमारे नसीब में हो, और हमारी टीम जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए। और दुआओं से और नमाज जब हम पढ़ते हैं और दुआओं से कहते हैं तकदीरें बदल सकती हैं, तो दुआएं हमारी हमारी टीम के साथ हैं, अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है वो मैच जो है और वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए, बिकॉज ये एक ऐसी खुशी है जो शायद हमें इस वक्त इस खुशी की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब एक बार फिर रिपीट कर दूँ, आप हमें कॉल करें, SMS करें, ईमेल करें, अपनी माँ के लिए जो मैसेज करना चाहते हैं हमें करें, मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगी आज शो में। तो अच्छे अच्छे SMS करें कि आप अपनी माँ को क्या कहना चाहते हैं, या आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक छोटी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे गेस्ट के साथ, और आई एम वेटिंग फॉर योर SMS, यू जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, खुश रहिए और खुशियाँ मांगिए।